नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है रीट पर। इस ताज़ा अपडेट में आपका रीट शिक्षक भर्ती में सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सितंबर महीना रीट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। किस मायने में महत्वपूर्ण है इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा कल रीट की जो वेटिंग की लिस्ट थी उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, काफ़ी हद तक उसकी प्रोसीडिंग है उसकी पूरी डिटेल आ चुकी है, हम आपको अभी उपलब्ध कराते हैं। और आज की संपूर्ण मीडिया कवरेज का इसमें विचार करेंगे, इसलिए आप वीडियो को लाइक करें। हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या होने वाला है सितंबर में। देखिए, यहाँ पर एक बड़ी चेतावनी जारी की गई है कि यदि राज्य सरकार ने 1 सितंबर तक रीट 2020 की विज्ञप्ति पैटर्न परीक्षा तिथि को लेकर अगर कोई निर्णय नहीं लिया तो 2 सितंबर 2020 की विज्ञप्ति पैटर्न परीक्षा तिथि जारी करवाने को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। तो यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है कि अब इसको लेकर 2 सितंबर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे। 2 सितंबर को सरकार ने पहले जो परीक्षा की घोषणा की थी वो तिथि भी आ रही है, उसके वहाँ तक इंतज़ार करने की बात कही गई है। निश्चित रूप से कुछ दिनों पहले बीकानेर में प्रदर्शन हो रहा था, इसलिए प्रदर्शन हो सकते हैं। इसमें 11 लाख बेरोजगार जुड़ रहे हैं, तो हो सकता है कि काफ़ी बड़ा प्रदर्शन आए। बात करें वेटिंग की, तो असलम चौबदार जी ने इसको लेकर सूचना दी कि 2016 का जो अंग्रेजी उर्मिला देवी का केस सुप्रीम कोर्ट में था उसकी 2 बिंदु फाइल से हटकर पूछे गए जो फाइल में नहीं थे, और जस्टिस चंद्रचूड़ जी इसमें थोड़ा सा मिसगाइड है। यानी उनको कहने का मतलब है कि थोड़ी चीज़ें समझने की आवश्यकता है। वहाँ पर 1 बिंदु है कि 4 सप्ताह में हमें एफिडेविट सबमिट करके स्थिति स्पष्ट करनी पड़ेगी। डीओपी सर्कुलर के आप सब जानते होंगे कि एक ऐसा सर्कुलर गवर्नमेंट ने निकाला है कि नई वैकेंसी आती पुरानी वैकेंसी के जो बाकी पोस्ट हैं वो लेफ्ट हो जाएं, इस तरह का सर्कुलर निकाला हुआ है। तो उस पर सरकार के फेवर में नहीं बल्कि अभ्यर्थियों के फेवर में। फिर यहाँ देखिए, जस्टिस जोसेफ है वो विपक्ष के बिंदु से सहमत नहीं है और हम कोशिश करके पूरी तैयारी के साथ 4 के बजाय 2 हफ्तों में ही अपना काउंटर एफिडेविट सबमिट कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट हियरिंग की डेट मिलेगी और सच्चाई को स्थापित करेंगे। तब तक सभी साथी धीरज बनाए रखें और पेश चुनौतियों से निपटारा करें। तो निश्चित रूप से अभी आपको ये 2 वीक की बाद में जब एफिडेविट दाखिल हो जाएगा तो इसकी आपको नई तारीख मिलने वाली है और नई तारीख पर ये सुनवाई होगी। तो अभी एक तरह से कुछ महीनों का या 1 महीने का कम से कम इसका इंतज़ार आपका और बढ़ गया वेटिंग को लेकर, लेकिन फिर भी वेटिंग आने की काफ़ी मजबूत संभावना है। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और नहीं है तो चैनल पर पहली बार अपडेट्स प्राप्त करने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाएँ। जय हिंद।